हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने निकाला है, जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। तो अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने जो है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को निकाला है। तो चलिए हम वो नोटिफिकेशन का वीडियो जो है वो देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम देख लेते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाला है। तो इसके लिए आप बस गूगल पे टाइप करिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। जैसे आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से अगर आप पीएचडी करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो थोड़ी अच्छी होगी। तो आपको सबसे पहले वेबसाइट दे रखा है www.pondiuni.edu.in, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो पौंडीचेरी की यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको बस नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए फ्लैश न्यूज पे ऑलरेडी उन्होंने न्यूज को फ्लैश कर दिया। इसमें उन्होंने बताया कि जो डेट है पीएचडी या पीजी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 17 अगस्त। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको नया विंडो ओपन होगा। अब इस विंडो में आप देख सकते हैं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2020-2021 रेगुलर कोर्सेज को एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए तो वो 8 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुए थे। और इन्होंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी मेंशन कर दी है, लेकिन कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने जो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसे बढ़ा के 17 अगस्त कर दिया है। तो हम देख लेते हैं अब इसका और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन तो इन्होंने दिए हैं। तो देखिए इन्होंने कोविड-19 वजह से जो एग्जाम डेट है या हम लोग बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया है 17 अगस्त तक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पे है। इसके साथ ही साथ आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो रिवाइज डेट है एंट्रेंस एग्जाम की विल बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब कि एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की डेट की जो ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस किया वो 21, 22, 23 था अगस्त, लेकिन अब कोविड-19 वजह से जो एग्जाम डेट है वो आपको बाद में बताई जाएगी, जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर पीएचडी जेआरएफ कैंडिडेट इंडियंस ओनली। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो नया विंडो ओपन होगा, इसमें आप देख सकते हैं जेआरएफ पीएचडी एडमिशन रिक्वायरमेंट। अगर आपको देखनी है कि किसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है या प्रोस्पेक्टिस देखना चाहते हैं तो आप प्रोस्पेक्टिस भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है तो यहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको न्यू यूजर से, तो आप यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है, जिससे आप कुछ अपना डिटेल डाल दी होंगी वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने कुछ डिटेल डाल रखी है और साथ ही साथ इन्होंने जो पीएचडी प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन फी है वो भी दे रखी है कि एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं वहां पर 500 देना पड़ेगा, वहीं अगर आप ट्रांसजेंडर या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में है तो आपको नील यानी कोई फीस नहीं देनी है, वहीं अगर आप अदर्स कैटेगरी में चाहे वो जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं इन्होंने और कुछ इंपॉर्टेंट दिया कि फी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास नेट जेआरएफ का अवार्ड लेटर है तो उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका कुछ और फी स्ट्रक्चर। आप देखना चाहे तो यहाँ से आप जाके आप फी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि अगर आपका पीएचडी में जो है सेलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी कितनी फी जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा फी पेमेंट का। और ये पेमेंट मे बी सेमेस्टर वाइज होता है, क्योंकि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, तो मे बी जो आपको एप्लीकेशन जो आपको फी पेमेंट करना होगा पीएचडी के लिए वो सेमेस्टर वाइज ही करना होगा। तो देखिए ये ओपन हो गया है फी। ये आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और लेने के बाद कितना फी होगा, तो इन्होंने फीस भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो देखिए पीएचडी प्रोग्राम की जो फी है टोटल फी ऑलमोस्ट है, ह्यूमैनिटीज की बात करें तो 17,551, वहीं अगर साइंस की बात करें तो 24,551। तो ये इसकी टोटल फी है फुल टाइम और पार्ट टाइम इंटरनल के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका कुछ रिक्वायरमेंट। जैसे जेआरएफ पीएचडी एडमिशन रिक्वायरमेंट का आप देखना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इसका पीएचडी एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे जाके आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जैसे अगर सपोर्ट बायोकेमिस्ट्री या मॉलिकुलर बायोलॉजी में आप बनना चाहते हैं तो साथ ही साथ इन्होंने जो इन्होंने इंटेक भी मेंशन कर रखा है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर बायोकेमिस्ट्री मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें 4 सीट जो है अवेलेबल है। और इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि मास्टर डिग्री वो बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए या मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रो बायोलॉजी या लाइफ साइंस जूलॉजी बॉटनी और एनी अदर रिलेटेड एरिया विद अ मिनिमम 55% मार्क्स। तो यहाँ पे 55% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए। तो ऐसे करके आप और भी सब्जेक्ट भी देख सकते, चाहे केमिस्ट्री हो उसमें 22 सीट्स अवेलेबल है। ऐसे करके जितने सारे सब्जेक्ट हैं सबका पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट है और साथ ही उन्होंने इनटेक भी ले रखा है। ठीक है, अब ये हो गया इसका फी पेमेंट का। अब अगर हम बात करें यूजीसी जेआरएफ, तो ये एक तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जिसके पास नेट नहीं है, ठीक है, या जेआरएफ नहीं है, तो अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उन्हें जो यूनिवर्सिटी वो अपनी तरफ से 8,000 रुपीज जो है वो देगी। जैसा कि हम सबको पता है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अगर आप वहां पे जो है आपका सिलेक्शन होता है तो अगर आपका जेआरएफ या नेट नहीं है तो आपको जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपने अब यूनिवर्सिटी खुद ही पैसा देती है। जैसे कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उन यूनिवर्सिटी में 8,000 रुपीज जो मंथली है वो आपका स्टाइपेंड होता है, तो वो आपको मिलता है। तो ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोस्टली जो टॉप 10 में आती है उनमें ये सुविधा जो है वो उपलब्ध है। तो अगर आपको क्या यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपको 8,000 पर मंथ जो है वो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया लेटेस्ट पीएचडी लेटेस्ट पीएचडी नोटिफिकेशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाए किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।